नमस्कार दोस्तों, खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 9 फरवरी दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 9 फरवरी 2022 दिन बुधवार, आज की तिथि अष्टमी, आज का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:06 पर। दोस्तों आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका लकी नंबर है 2 और शुभ रंग है गुलाबी और सफेद। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक नीति ज्ञान के बारे में। चाणक जी कहते हैं कि धन से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं ये चीजें, ना करें अहंकार। भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में आचार्य चाणक्य की गिनती होती है। चाणक्य की नीतियों में हर समस्या का समाधान बताया गया है। आज भी लोगों का चाणक्य नीति के प्रति लगाव और आकर्षण कम नहीं हुआ है। चाणक्य की नीतियां अंधेरे में दीपक का कार्य करती हैं। कई लोग धन के पीछे भागते हैं लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार धन से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं इस दुनिया में। व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। नंबर 1, धन एक स्थान पर अधिक नहीं ठहरता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन की देवी माता लक्ष्मी है और माँ का स्वभाव काफी चंचल है। धन एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरता है। जो व्यक्ति धन के अहंकार में डूब जाता है उसे भविष्य में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म और अध्यात्म। आचार्य चाणक्य के अनुसार पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलना बहुत जरूरी होता है। धर्म और अध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म व्यक्ति को अनुशासित बनाता है और अध्यात्म व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का विकास करता है। नंबर 3, मित्र परिवार और रिश्ते। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन से हम मित्र परिवार और रिश्ते नहीं खरीद सकते, इसलिए जीवन में कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन तो चला जाएगा लेकिन मित्र परिवार और रिश्ते आपके साथ ही रहेंगे। नंबर 4, प्रेम को नहीं खरीद सकते धन से। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4, प्रेम को नहीं खरीद सकते धन से। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी होता है। प्रेम की शक्ति को पहचानना चाहिए। प्रेम को धन से नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम का एहसास सिर्फ महसूस किया जा सकता है और कुछ नहीं। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आगे जानते हैं। तो दोस्तों आपका उदय स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। बिना बुलाया कोई मेहमान आज आपके घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। जीवन साथी और बच्चों से अतिरिक्त स्नेह और सहयोग आपको मिलेगा। अपने प्रेमी से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे। साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज्यादा परेशानियां देंगे। कोई आपका बेवजह फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। जो यह समझते हैं कि शादी सिर्फ एक समझौते का नाम है तो वे गलत हैं, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। साथ ही आपको बताएं आज विश्वास से किया गया कार्य आज सिद्ध होगा। आपकी लव लाइफ आज बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ से परेशानी हो सकती है। कुछ दोस्त आपको गुमराह करेंगे या शॉर्टकट लेने के लिए कहेंगे, लेकिन आपको अपनी समय से काम लेना होगा। आज का दिन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सुबह
ग्रहों की सकारात्मक स्थिति प्रमोशन दिलाने वाली चल रही है। कुछ असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता व कठोरता ला सकता है। आर्थिक हालात बेहतर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। किसी व्यक्ति के साथ हुए मन मुटाव को लेकर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनसे प्रेम के मामले में सोच समझकर ये दिन बिताने की उम्मीद करें। सिंह राशि वालों को दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में मजा आएगा। आज अधिक लाभ से लालच होने हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही आपको बताएं, आज अधिक लाभ के लालच में हानि भी उठानी पड़ सकती है। सावधान रहें, कोई आपको वह पैसा लौटाएगा जो आपने उनसे उधार दिया था। व्यापारियों को नेटवर्क को बढ़ाते हुए व्यापार को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक कार्य क्षेत्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, अच्छी चीजें होंगी। साथ ही आपको बताएं, सरकारी कामों में पैसा लगने के योग हैं। किसी तरह का चालान या प्लेंटी आज आप पर लग सकती है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक स्तर पर खुशियों में बढ़ोतरी संभव है। इस दौरान मनोरंजन हेतु आप परिवार के साथ लंबी दूरी यात्रा पर भी जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में आज आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है। आपकी कार्य क्षमता काफी अच्छी रहेगी व आप एक साथ कई कामों को निपटा सकेंगे। नौकरी में आपको अपने सहयोगियों से तालमेल बिठाकर चलना होगा, नहीं तो आपके सहयोगी आपके लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बिजनेस में आपकी तरक्की होने के संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए थोड़ा सावधान रहने का है। आपके खर्चों में अचानक वृद्धि होने की भी संभावना है, इसके चलते साथ ही साथ आज राजनीतिक संबंध आपको फायदा दे सकते हैं। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक कार्य को योजनाबद्ध व अनुशासित तरीके से करने के कारण अधिकतर कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे, परंतु किसी अनजान व्यक्ति से व्यवहार करते हुए सावधान भी रहें, आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसका दुष्प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने की वजह से आपको घर तथा व्यवसाय दोनों जगह आपको सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा और आप इसमें कामयाब भी रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, आज संपर्क सूत्र और मार्केटिंग संबंधी कामों पर आज आपका ज्यादा समय बिताएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं। पारिवारिक तनाव को अपने कार्य क्षेत्र में हावी ना होने दें, जिससे आपको कुछ अलग करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमने से मन को शांति व खुशी का अनुभव होगा तथा आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार में कुछ मतभेद भी रहेंगे, इसलिए आज आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालें। इससे आपको खुशी का अनुभव होगा व आपके परिवार के सदस्य भी आपसे खुश रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे का साथ बनाए रखें। साथ ही साथ पति पत्नी में विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा, इसके चलते घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय श्रेष्ठ रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपके दिनों दिन उत्तम बने रहेंगे। साथ ही साथ उन जातकों की बात करें जो अब तक सिंगल या अकेले हैं, तो उनके प्रेम जीवन में उनका प्यार के प्रति आज किसी इंसान से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, आप बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। यदि आपको किसी प्रकार का पुराना दर्द या पुरानी बीमारी है, तो आज आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आज काम की अधिकता की वजह से आप थकान महसूस करेंगे। इसलिए आपको आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आपको अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।